रिटायरमेंट प्लानिंग का मकसद आपको बुढ़ापे में अमीर बनाना नहीं, बल्कि उस वक्त भी आपके स्वाभिमान को बचा करके रखना है। मार्केट में रिटायरमेंट प्लानिंग से रिलेटेड कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उनमें से कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे मैंने भी वीडियो बनाई हुई है, जैसे कि आपका नेशनल पेंशन सिस्टम, फिर आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और आपने उन दोनों वीडियोज़ को अपना काफ़ी प्यार भी दिया। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसका लिंक है, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, और ऊपर कॉर्नर में आइकन बटन दिख रहा होगा, आप वहां से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर में मैं आपके सामने एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की चर्चा करूंगा जो कि आपके रिटायरमेंट प्लानिंग में काफी हद तक मददगार साबित हो सकता है। दरअसल ये जो प्रोडक्ट है ये SBI लाइफ का एक इंश्योरेंस प्लान है जिसका नाम है रिटायर स्मार्ट। इस प्लान को लेकर के हमारे कई सारे दर्शकों ने नीचे कमेंट सेक्शन में, फिर उसके बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस के जरिए हमें कहा कि आप इसको लेकर के एक वीडियो जरूर बनाइए। तो इसीलिए आज मैं आप सभी के सामने इस प्लान को लेकर के हाजिर हुआ हूं। तो इस वीडियो के अंदर में आपको इस पॉलिसी की डिटेल जानकारी मिलेगी, फिर हम इसे एक एग्जांपल की मदद से भी समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम ये भी जानेंगे कि इस पॉलिसी को खरीदने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, और अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर मुझे अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी होती तो क्या मैं इस पॉलिसी को खरीदता या नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी हो सकता है कि वो मिस हो जाए, और अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो उससे आप एक गलत निष्कर्ष पर भी पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर वीडियो लंबी लगती है तो एक बार में नहीं तो दो बार में देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश झा और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम अमीरी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर आप SBI लाइफ का रिटायर स्मार्ट प्लान खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। देखिए, ये एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है और बाकी सभी यूलिप की तरह यहाँ पर भी आपका पैसा इक्विटी में, बॉन्ड में या और भी जो मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें निवेश किया जाता है, और इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस भी मिल जाता है। मतलब इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट जो है वो दोनों एक साथ हो जाती है। अब क्योंकि पैसा मार्केट में निवेश होता है तो मन में एक कहीं ना कहीं एक डर होता है कि मेरा पैसा डूब ना जाए, तो इसीलिए यहाँ पे आपको इस प्लान के अंदर में गारंटी दी जाती है, और वो गारंटी ये है कि आप टोटल जितना भी प्रीमियम भरेंगे इस पॉलिसी के अंदर में, मैच्योरिटी के टाइम पे आपको उन टोटल प्रीमियम का कम से कम 1% एक्स्ट्रा यहाँ पे कंपनी की तरफ से जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर ये निकल कर आता है इसका मतलब कि एक तो जितना प्रीमियम के लिए आपने अमाउंट दिया वो भी सुरक्षित हो जाता है, और इसके साथ ही साथ मार्केट का जो अच्छा रिटर्न मिलेगा उसका भी बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल जाता है। अभी सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या वाकई में ये फायदेमंद है? अभी इसकी चर्चा हम थोड़ा आगे करेंगे क्योंकि इसे कुछ नुकसान भी है। फिलहाल हम इसका कुछ अगले फायदे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका जो एक अगला फायदा है वो ये कि अगर आप ये पॉलिसी 15 साल से ज्यादा के लिए लेते हैं, जी हाँ, अगर आप ये पॉलिसी 15 साल से ज्यादा के लिए लेते हैं तो आपको 10% का गारंटेड एडिशन मिलता है, और ये गारंटेड एडिशन आपको 210% तक मिल सकता है। अब आप कहेंगे 10% किसका? तो आप जितना भी प्रीमियम भरते हैं एक साल के अंदर में, उस एनुअल प्रीमियम का 10% आपको 15 साल पूरे होने के बाद पॉलिसी के मिलना शुरू हो जाता है। तो ये भी काफी अच्छी चीज है। फिर इसके साथ ही साथ आपको 1.5% का टर्मिनल यहाँ पे बोनस भी दिया जाता है। फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं अब इसके अगले फायदे की तरफ। अब अगला फायदा ये है कि अगर आप पॉलिसी के टेन्योर के दौरान, मतलब जो आप प्रीमियम भर रहे हैं उसी के बीच में अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके नॉमिनी को जितना भी आपने प्रीमियम भरा होगा उसका 105%, या फिर उस टाइम पे जितना भी आपका फंड वैल्यू होगा प्लस टर्मिनल बोनस, तो इनमें से जो भी सबसे ज्यादा होगा वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अगर इसको सरल भाषा में कहूँ तो कम से कम आपके नॉमिनी को जितना भी आपने प्रीमियम भरा है उसका 105% तो जरूर मिल जाएगा। तो ये भी काफी अच्छी चीज है इसकी। अब बढ़ते हैं इसके अगले बेनिफिट की तरफ। तो अगला बेनिफिट ये है कि जैसे सभी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर में जो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C और अंडर सेक्शन 1010D के तहत, वो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो आपने ये जान लिया कि इस पॉलिसी को खरीदने के फायदे क्या हैं। अब ये जान लेते हैं कि ये पॉलिसी काम कैसे करती है। तो इस पॉलिसी को समझना काफी आसान है। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये कि आपको प्रीमियम का अमाउंट डिसाइड करना होगा कि कितना प्रीमियम आप भरना चाहते हैं। अब प्रीमियम भरने के लिए आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक लिमिटेड पे का, एक रेगुलर पे का। रेगुलर पे का मतलब वही कि आप हर महीने या साल में भरना चाहते हैं, और लिमिटेड पे का मतलब वही कि आपने पूरा जितना भी आपको प्रीमियम भरना था वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर में भर दिया।
तो आपका पहला काम हो गया कि आपने प्रीमियम का अमाउंट डिसाइड कर लिया, फिर आपने ऑप्शन चुन लिया कि आपको लिमिटेड पे चुनना है या रेगुलर पे। फिर इसके बाद जो है आपको पॉलिसी का टर्म चुनना होगा कि आप कितने साल के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं, मतलब 10 साल, 15, 20 या जितने भी। यहाँ पर आपको एडवाइस यही दूंगा कि अगर आप ये पॉलिसी खरीदते हैं तो आप 20 साल या उससे ज़्यादा का ही ले, क्योंकि यहाँ पर यह है इस पॉलिसी में कि 15 साल के बाद वाले टर्म वाले लोगों को ही यहाँ पे गारंटेड एडिशन जो 10% का है वो मिलता है। तो उससे कम टर्म का लेंगे अगर आप तो वहाँ पे आपको गारंटेड एडिशन भी नहीं मिलेगा। तो आपने पहला काम किया, प्रीमियम का अमाउंट चुन लिया, दूसरे में आपने पॉलिसी का टर्म चुन लिया। फिर इसके बाद क्या होगा कि आपको प्रीमियम भरते रहना है, फिर आपका पॉलिसी एक दिन मैच्योर हो जाएगा। मैच्योरिटी के टाइम पे जो आपको अमाउंट मिलता है उसका मैक्सिमम एक तिहाई हिस्सा आप लमसम ले सकते हैं जो कि टैक्स फ्री होगा, और बाकी का जो भी हिस्सा बचा रहेगा उससे आपको एक पेंशन प्लान खरीदना होगा जिसे आप एन्यूटी प्लान भी कहते हैं, और फिर आपकी उससे एक मंथली पेंशन शुरू हो जाती है, वो आपकी टैक्सेबल होती है स्लैब रेट के हिसाब से। तो अब आपने ये प्लान काम कैसे करता है, इस प्लान को खरीदने के फायदे क्या है, इनकी जानकारी ले ली। अब जरा जानकारी ले लेते हैं कि इस प्लान को खरीदने के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या है, फिर उसके बाद हम एक एग्जांपल भी देखेंगे, और उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि इस प्लान को खरीदने का नुकसान क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एज क्राइटेरिया और पॉलिसी टर्म के बारे में। तो इस पॉलिसी को लेते टाइम जो कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए वो 30 वर्ष की है, वही मैच्योरिटी के टाइम आपकी कम से कम उम्र 40 वर्ष की होनी चाहिए। फिर वहीं दूसरी तरफ जो मैक्सिमम एज है इस पॉलिसी को लेने की वो 70 वर्षों की है, और मैक्सिमम जो मैच्योरिटी एज है इसकी वो 80 वर्ष की है। फिर अगर हम पॉलिसी टर्म की बात करें तो मिनिमम 10 वर्ष का है और मैक्सिमम यहाँ पर आप 35 सालों के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके प्रीमियम को लेकर। तो प्रीमियम देते टाइम आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम का। फिर उसके अंदर भी आपको ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली में से किसी एक का चुनाव करना होता है। तो आप जिस किसी का भी चुनाव करेंगे उसके हिसाब से आपका मिनिमम प्रीमियम डिसाइड होगा, बाकी मैक्सिमम की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें तो इस लिस्ट को पढ़ सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। चलिए अब इस पॉलिसी को एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक 30 वर्ष के व्यक्ति को 35 वर्षों के लिए एक पॉलिसी चाहिए ये वाली, और वो जो है 50,000 रुपये सालाना प्रीमियम भरने के लिए तैयार हैं। तो इस परिस्थिति में जो मैच्योरिटी के टाइम पे जो अमाउंट उन्हें मिलेगा, तो अगर 4% रिटर्न मिलता है तो उन्हें कुछ 26,47,299 रुपये के लगभग का एक अमाउंट मिलेगा, और अगर रिटर्न 8% का रहता है तो 59,45,160 रुपीस के लगभग का उन्हें एक मैच्योरिटी का अमाउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब तक आपने इस पॉलिसी की सभी जानकारियां ले ली हैं। अब ये जान लेते हैं कि आपको इस पॉलिसी में निवेश क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, ये एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, और सभी यूलिप की तरह यहाँ पे भी कई तरह के चार्जेस होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और होता ये है कि मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म कर भी रहा हो, वो अच्छा रिटर्न दे भी रहा हो, तो इन चार्जेस की वजह से वो रिटर्न काफ़ी हद तक जो है इफेक्टेड होता है, मतलब आपको मार्केट के हाई रिटर्न्स का बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलता। फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, जो पॉलिसी होल्डर होता है उसको बहुत सारी नॉलेज नहीं हो पाती है ढंग से कि मतलब मेरे पैसे को किस किस जगह पे कैसे कैसे निवेश किया जा रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी की भी कमी होती है। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आपको म्यूचुअल फंड्स में मिल जाती है, यहाँ पर आपको उतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी नहीं मिल पाती। और क्योंकि ये एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे लोग लंबे वक्त के लिए निवेश करते हैं, जैसे 15 साल, 20 साल या उससे भी ज़्यादा। और इतने लंबे निवेश के बाद जो गारंटी दी जा रही है यहाँ पे, वो सिर्फ 1% एक्स्ट्रा की गारंटी दी जा रही है। भैया, महंगाई जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, और यहाँ पर आपको गारंटी दी जा रही है 1% की, जो कि मेरी नज़र में तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मेरा मानना ये है कि अगर आपका पैसा मार्केट में निवेश हो ही रहा है तो आप क्यों नहीं कर रहे डायरेक्टली उसे, आप इंश्योरेंस कंपनीज के माध्यम से क्यों निवेश करवा रहे हैं? क्योंकि अगर आप खुद निवेश करेंगे तो रिस्क तो होगा यहाँ पर भी ज़्यादा, लेकिन आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज के साथ ये दिक्कत है कि आप रिस्क तो ज़्यादा लेते हैं लेकिन आपको रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलता। तो इसीलिए कोशिश करें कि
खुद ही निवेश करें और इंश्योरेंस को अलग रखिए और इन्वेस्टमेंट को अलग रखिए। अब स्टॉक मार्केट को समझना हो सकता है कि आपको थोड़ा उसमें कठिनाई आए, लेकिन म्यूचुअल फंड्स को समझने में मेरे हिसाब से आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी, वो आप आराम से समझ सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी वक्त अपना म्यूचुअल फंड की तरफ दें तो आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में सारी जानकारियां मिल जाएंगी और आप एक यूलिप में निवेश करने के बजाय एक लंबे टाइम के लिए, मतलब एक गोल सेट कर लीजिए कि मुझे 10-15 साल तक लगातार म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना ही है, और म्यूचुअल फंड्स आपको ज्यादा रिटर्न देंगे, कई गुना ज्यादा रिटर्न देंगे इस यूलिप से। अगर मैं आपको एग्जांपल के जरिए भी समझाने की कोशिश करूं तो अगर आप यूलिप में, जैसे हमने अभी आपने कुछ टाइम पहले एग्जांपल देखा था कि एक 30 वर्ष का व्यक्ति 35 साल के लिए 50,000 रुपये हर साल यूलिप में उस प्लान के अंदर में प्रीमियम के रूप में भर रहा था, तो 8% अगर रिटर्न मिलता है तो उसके हिसाब से भी उसे कुछ 59 लाख के आसपास का एक अमाउंट मिलेगा। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, वही सेम पूरा क्राइटेरिया रहेगा और वही 8% का रिटर्न भी रहेगा, तो यहाँ पर आपको 95 लाख रुपीज के आसपास का एक अमाउंट मिलता है। जी हाँ, वहाँ 59 था, यहाँ 95 लाख हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप डायरेक्टली खुद म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको कितना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, और म्यूचुअल फंड में अगर लंबे टाइम के लिए देखा जाए तो सिर्फ 8% का रिटर्न नहीं मिलता, इससे ज़्यादा का ही रिटर्न मिलता है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पर होगा अगर आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली ही निवेश कर लेंगे तो। तो अगर कोई मुझे कहता है इस प्लान को खरीदने के लिए, तो मैं इस प्लान को नहीं खरीदता। देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग को ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप सिंपल रख सकते हैं। आप जितना भी पैसा बचा रहे हैं इस वक्त अपने रिटायरमेंट के लिए, उसका एक हिस्सा जो है आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश कर दीजिए। वहाँ पे आपका जो पैसा है वो सुरक्षित भी है और रिटर्न की गारंटी भी है, क्योंकि एक सरकार की स्कीम है। फिर उसके बाद बाकी का जो हिस्सा है वो आप चाहे तो म्यूचुअल फंड में निवेश कर दें या आप चाहे तो NPS में निवेश कर दीजिए। और अगर आपने कोई इंश्योरेंस ही आपको लेना है तो आप सिर्फ एक टर्म इंश्योरेंस लेके रख लीजिए, और टर्म इंश्योरेंस का ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, आपके रोज़ के चाय पानी के खर्चे में ही टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम का अमाउंट है वो निपट सकता है। तो काफ़ी सिंपल है। और अगर आप एक रफ आइडिया लेना चाहते हैं कि कैसे किया जाए ये सब, तो एक वीडियो हमने बनाई हुई है जिसको आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया है, और फाइनेंशियल प्लानिंग वाली एक वीडियो है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कॉर्नर में आइका बटन है वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को देखिए तो आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि कैसे सिंपल तरीके से बिना किसी ज़्यादा नॉलेज के रिटायरमेंट प्लानिंग की जा सकती है। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस इंश्योरेंस पॉलिसी के रिगार्डिंग में। अब आप क्या सोचते हैं कि क्या ये पॉलिसी बहुत अच्छी है या बहुत बेकार है, या जो भी सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताइए। ये पर्सनली देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं ये नहीं कह रहा कि पॉलिसी पूरी तरीके से ख़राब है, कई लोगों को हो सकता है कि ये पॉलिसी अच्छी भी लगे, तो मैं उनकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू हमें ज़रूर बताइए। आप अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।